तो पाकिस्तान के पास अब सिर्फ दो काम बचे हैं, पहला खुद को कर्ज लेकर दिवालिया होने से बचाना और दूसरा भारत की तरक्की देखकर जलना। और अब तो सार्वजनिक मंचों पर भी पाकिस्तान के नेता इसका इजहार करने लगे हैं। भारत की तरक्की देखकर पाकिस्तान को अक्ल आ गई है कि अगर अपनी इकोनॉमी और भविष्य को पटरी पर लाना है तो भारत से दोस्ती जरूरी है। इसलिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने खुलकर भारत से दोस्ती की पेशकश की। वहीं पाकिस्तान की उप विदेश मंत्री हीना रब्बानी खान ने चिढ़ते हुए कहा, भारत तो सिर्फ पश्चिमी देशों का डार्लिंग बना हुआ है। अपने नेताओं के इस बयानों की पाकिस्तान में खूब खिल्ली उड़ाई जा रही है और पत्रकारों से लेकर जनता तक सभी ने अपने नेताओं को आईना भी दिखा दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भारत से बात करने के लिए घुटनों पर आ गए हैं और पाकिस्तान की उप विदेश मंत्री हीना रब्बानी खान इस बात से बेहद आहत नजर आ रही हैं कि दुनिया भर से संबंध मजबूत कर रहा भारत पड़ोस में नजर उठाकर भी नहीं देखता। पाकिस्तान के दोनों नेताओं ने एक दिन में ये बयान दिया। इसके बाद पूरे पाकिस्तान में बहस चल रही है, क्या हिंदुस्तान का साथ अब पाकिस्तान की मजबूरी बन चुका है। पहले बात करते हैं आखिरकार हिंदुस्तान का नाम लेकर पाकिस्तान के नेता डार्लिंग डार्लिंग क्यों कर रहे हैं। पाकिस्तान के नेता, वहाँ के पत्रकार और जनता इंडिया को डार्लिंग क्यों बनाना चाहती है, ये नई बहस शुरू हुई है पाकिस्तान के उप विदेश मंत्री हीना रब्बानी खार के स्टेटमेंट से, जिसमें इंडिया के पाकिस्तान को लेकर किए जा रहे तिरस्कार का दुख नजर आ रहा है। हीना रब्बानी खार ने यह बयान दिया और पाकिस्तान के पत्रकार और लोगों ने उनको आईना दिखाना शुरू कर दिया। पत्रकारों ने कहा, इंडिया तो सारी दुनिया का डार्लिंग बना हुआ है और चीन का साथ पकड़कर पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है। पाकिस्तान के पत्रकार तो ये सवाल भी पूछ रहे हैं, आखिरकार दुनिया कंगाल हो चुके पाकिस्तान को डार्लिंग बनाए भी क्यों, जब उनके पास 6 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंच रहा दोस्त मौजूद है। वहीं पाकिस्तान के पत्रकार जनता से भी इस बारे में सवाल कर रहे हैं, तो जवाब में पाकिस्तान के भड़के हुए लोग अपने हुक्मरानों को जितना हो सकता है भला बुरा सुना रहे हैं। इधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी भारत से बातचीत करने की मिन्नतें कर रहे हैं। पाकिस्तान के पत्रकार जो अपने देश की हालत जानते हैं, अपने प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद पूछ रहे हैं, क्या शहबाज शरीफ को जाते जाते अक्ल आई है। इधर पाकिस्तान की जनता शहबाज शरीफ के ऐसे बयानों पर भारत की खामोशी के बाद मान रही है कि भारत अब पाकिस्तान को बिल्कुल सीरियस नहीं लेता। वहीं पाकिस्तान के पत्रकार भी शहबाज के ऐसे बयान को टाइम पास बता रहे हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ अगर सीरियस होते तो पद छोड़ने के 6 दिन पहले होश में नहीं आते। वैसे सच्चाई यह है कि शहबाज शरीफ इतने टेंशन में हैं कि उनको आजकल कुछ भी याद नहीं रहता, क्योंकि वो ये भी भूल गए कि उनकी सरकार कितने दिन की मेहमान है। और शहबाज शरीफ की इस बेवकूफी पर विदेशी भी ठहाके लगाते दिखाई दिए। देखिए शहबाज के बयान के बाद किस तरह हॉल में मौजूद विदेशी मेहमान जोर जोर से हंस रहे हैं। इधर पाकिस्तान की त्रस्त जनता कह रही है कि शहबाज जाते जाते बेवकूफी करने के बजाय जनता को कुछ राहत दे दें तो बेहतर हो। फिलहाल पाकिस्तान की जनता बेहाल और उस पर भारत की तरक्की और पाकिस्तान के हुक्मरानों की बेवकूफी उसकी बेचैनी और परेशानी को और बढ़ा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।